बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी नारनौल दौरे पर रहे। यहां आयोजित भव्य सम्मान समारोह में उनका सम्मान किया गया। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर उनके हित में अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील भी की है कि वो बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास करें। जितने काम किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, ये आंदोलन तो पंजाब में बनता है जहां आम आदमी की सरकार है, ये आंदोलन तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बनता है, क्योंकि ये लोग झूठे वायदे करते हैं और झूठ बोल करके सत्ता हथिया लेते हैं और फिर लोगों के हाथ मायूसी हाथ लगती है, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। मैंने कहा है जितने काम यहाँ पर इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित के अंदर किए हैं, आज तक के इतिहास के अंदर आप उठा करके देख लीजिए। मैं किसानों से अपील करना चाहूंगा कि जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर कोई विषय उनका है, मंत्रिमंडल के हमारे सदस्य उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं, बातचीत से किसी अगर उनकी समस्या है उसकी समस्या का हल बातचीत से निकलता है, आंदोलन से नहीं निकलता। आंदोलन से लोग परेशान होते हैं, जनता परेशान होती है और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। वही 16 फरवरी को रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी, सुनिए। देश के अंदर एम्स की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को यहीं इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी में एक और एम्स की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। आज मैंने नारनौल के महेंद्रगढ़ के लोगों से अपील भी किया कि वो चुल्ला नौंद वहां पर जाएं, क्योंकि एक ऐसी सरकार है डबल इंजन की जो आपके हितों की सुरक्षा करते हुए आपको मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। वही आगे बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में सभी 1000 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नारनौल से सूर्य समाचार के लिए जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट।